अरे मेरी बामणी भेदे पकोड़े बनाया आज। मेरे आड़े वास्ते ही बड़े सा, को बड़े चंगे लगते हैं भेदे पकोड़े। मेरे को भी चंगे लगते हैं, मजा आवे आज थी वैसे खा आज के। तू ठीक भेदे पकोड़े बना गर्मा गर्म, इतनी चावा ते रोटी नाल खास। हाँ है, अपन दोनों खासा भेदे पकोड़े, ये ते बाला वास्ते बना प्याज दे ते आलू दे पकोड़े। आलू दे पकोड़े। जल्दी घेना हूँ, मेरे मुंह में लार टपकती थी, ये फटाफट घेन के आ बना के आ जल्दी बन। हाँ टाइम लगती होने, टाइम कितना टाइम लगती तो तो लगते भेदे पकोड़े वैसे लगते, बाकी तो क्या नहीं लगता। बना रहा, जल्दी बना, ठीक मेरे है, को रहा नहीं बेंदा, वेंदी पिया बड़ा के जल्दी आऊंगी बन अब। जल्दी ठीक, बन। तो मम्मा कर रही है किचन में तैयारी। चलिए पूछते हैं क्या तैयारी कर रही है मम्मा, क्या तैयारी कर रहे हो? बेटा भे के पकोड़े बना रही हूँ आज मैं। भे के पकोड़े? हाँ भे के पकोड़े, टेस्टी टेस्टी। मम्मी रेसिपी शेयर करें? बिल्कुल, इसलिए तो बना रही हूँ चलो कि फिर सब रेसिपी शेयर सीखें। करें। सबसे पहले भे के हमने ये साइड्स काट देनी है इस तरह से। और उसके बाद उसके इतने बड़े बड़े पीस काटने हैं, छोटे नहीं काटने, इतने बड़े बड़े, तभी पकोड़ों का मजा आएगा भे के। इतने बड़े भे काटने के बाद हमने इसमें से बीच में से ऐसे चीरा लगा देना है इस तरह से। कुकर लिया है, इसमें हमने पानी रखा है, पानी गर्म हो गया है। अब ये देखिए, ये भे है मैंने साफ सूफ करके, अब इसको पानी में डाल दूंगी। और अब मैं इसमें डालूंगी हल्का सा नमक, नमक थोड़ा ही डालना है क्योंकि इसके बाद हम इसको मसाले से भरेंगे। और जब इसकी एक सीटी आ जाए, सीटी आते ही इसको हमने निकाल लेना है भे को बाहर। एक सीटी आने के बाद सीटी निकाल लेनी है और भे जो है वो थोड़े थोड़े से गल जाएंगे इस तरह से। अब भे को हम पानी में से निकाल रहे हैं। भे निकालने के बाद इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और बाद में हम इसमें मसाला मिलाएंगे, भरेंगे इसको मसाले के साथ। अब एक डोंगे में हम अच्छे से बेसन लेके, जितना हमें चाहिए उसी हिसाब से बेसन ले लेना है। इसमें कुछ बेसिक मसाले मिलेंगे। इसमें हम डालेंगे नमक, हल्दी थोड़ी सी, मिर्ची और हल्की सी अजवाइन लेके क्रश करके डालेंगे। और डालेंगे हम इसमें खूब सारा दरदरा धनिया। अब इसमें मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ काली मिर्च। इन सबको पानी के साथ घोल लेना है अच्छे से और फेंटते रहना है 2 से 4 मिनट तक। अब इसको हम 2 से 4 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अब हम बनाते हैं भे में भरने के लिए मसाला। उसमें हम लेंगे नमक, थोड़ी सी हल्दी, मिर्ची, थोड़ा
थोड़ा सा मिर्ची पाउडर। अब हम लेंगे धनिया पाउडर, ना दरदरा धनिया ना पिसा हुआ धनिया, पाउडर लेना उसका हमने, ताकि ये मसाले अच्छे से उसमें मिल जाएं। उसके बाद हम हल्की सी डालेंगे काली मिर्च, आप स्किप कर सकते हैं अगर घर में नहीं खाते तो। लास्ट में डाला है हमने थोड़ा सा अमचूर। इसको अच्छे से मिला लेंगे। और जो हमारे उबले हुए भे हैं जिसमें हमने चीरा लगाया था ना, उसमें हम ये मसाला भर देंगे। नमक मैंने थोड़ा कम डाला है क्योंकि मैंने उबलते हुए भी थोड़ा सा नमक डाला था। इस तरह से भे को खोल के उसमें ये मसाला ऐसे भर देंगे हम, जैसे हम बैंगन में भरते हैं इस तरह से। और इसको अच्छे से ऐसे कस देंगे ताकि जो मसाला है इसके अंदर ही रहे। सारे ऐसे भर के मसाले सभी भे में, और ऐसे टाइट कर लेंगे हाथ से, और इसको सबको इकट्ठा करके रख लेंगे। बोलना थोड़ा। हरा धनिया काट रही हूँ मैं थोड़ा सा बेसन में मिलाने के लिए, इसका टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। बेसन में मैं थोड़ा सा ये धनिया मिला रही हूँ। फेट इसको हमने लिया था, रेस्ट भी दे दिया था, और ये थोड़ा सा प्लफी हो गया, अच्छे से बैटर मिक्स हो गया, सारे सामान इसमें मसाले सारे मिक्स हो गए हैं। हमने तेल रखा हुआ था कढ़ाई पे, तेल जो है वो गर्म हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डालने से होता क्या है, जो हमारे पकोड़े होते हैं ना वो तेल कम अब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए नमक डाला जाता है। और इसके लिए हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना, तेल मीडियम रखना है। और जो ये पकोड़े हैं इनको अब हम इसमें डिप करके डालते जाएंगे। बेसन में इसको डाल के अच्छे से ऐसे धीरे धीरे लपेटना है बेसन के साथ, ताकि मसाला बाहर ना निकले। ऐसे लपेटते जाएंगे, एक्स्ट्रा हट जाएगा, और इसको हम इसमें डालते जाएंगे। इसको अब हम ऐसे धीरे धीरे से पलटेंगे। और हमने ये पूरे फ्राई नहीं करने, अभी इनको ऐसे थोड़े थोड़े से फ्राई करके उसको निकाल के रख देंगे, और इसको फिर हम दोबारा से फ्राई करेंगे, इसलिए इसको ऐसे हल्के हल्के पकाने हैं। ये आप कलर देख रहे हैं ना, इस तरह से होगा ये कलर। अब इन पकौड़ों को हम ऐसे बाहर निकाल लेंगे। भे के पकौड़ों के लिए हमने बैटर थोड़ा सा गाढ़ा रखा था। अब इसमें थोड़े से मैं आलू के पकौड़े बना रही हूँ अपने बच्चे के लिए, तो मैंने इसमें हल्का सा पानी मिला के इसको ऐसे पतला कर लेना थोड़ा सा, उसी बैटर को। आलू के ऊपर ऐसे हम हल्का सा नमक और हल्की सी मिर्च ऐसे डाल देंगे, और इसको अच्छे से ऐसे हिला लेंगे। दो चार मिनट के बाद इन आलुओं को एक एक करके हम बेसन में डिप करके और फ्राई में उसमें कढ़ाई में डालते जाएंगे, तो ऐसे कढ़ाई में छोड़ते जाएंगे। थोड़े से बने हैं प्याज के पकौड़े। आलू के पकौड़े बनके हो गए हैं तैयार।
अब है बारी प्याज के पकोड़ों की। ये पकोड़े हमने तले थे भे के, अब इसको हम दोबारा से डीप फ्राई करेंगे। अब एक एक इसको मैं गरम तेल में छोड़ती जाऊंगी और करारे होने तक इसे बना लूंगी। और ऐसे क्यों करते हैं? इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और जो अंदर का भे है ना अच्छे से सिक जाता है। उस भे को थोड़ा टाइम लगता है ना सिकने में। और ये हलवाई की रेसिपी है, सीख के आई थी मैं, तेरे नानू के साथ गई थी तो डैडी खिलाते थे मुझे पटियाला और राजपुरा लेके जाते थे ना बुआ के घर। चल तेरे को भे के पकौड़े खिलाऊं। फिर हमने उनसे पूछा था और ये घर पे ट्राई किया था, बहुत ही टेस्टी बने थे और तब से मैं ये लगातार बनाती हूँ घर में।